हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं समझा है तो क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट चेक करो और वहां से आप चैप्टर समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है ये, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो आपका है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट वर्ड को जो है सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। मतलब एक बड़ी सी जगह पर एक ही जैसे पौधे उगाए जाते हैं, एक ही जैसे प्लांट उगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उसे क्या कहते हैं। उसका राइट आंसर है क्रॉप। तो यहाँ पर आपने क्रॉप फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट बी, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। पहली स्टेप जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं ना, तो पहली स्टेप क्या होती है, फ्लॉट वाटर। क्रॉप तो हमारा हो चुका है, न्यूट्रिएंट्स और प्रिपरेशन। तो हमें पता है अगर हमें क्रॉप को ग्रो करना है तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, प्रिपरेशन। तो यहाँ पर आपने ये लिख रहा है कि पहले हम सॉइल को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सी डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वॉटर। जब डैमेज सीड होते हैं वो पानी में ऊपर क्या करने लग जाते हैं, फ्लॉट। ठीक है, और जो हेल्दी होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डी, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर इजेंशियल। मतलब क्रॉप को ग्रो होने के लिए सनलाइट सफिशियंट होती है। ठीक है, साथ में और भी क्या चाहिए इसमें, इसमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वाटर चाहिए। तो ये दोनों आपने ऑप्शन को यहाँ लिख देना है, एक बार में वाटर लिखना है, एक में न्यूट्रिएंट्स लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है आपका मैच कॉलम। आपने मैच करना है ए को बी से। फर्स्ट आपका है खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी होती हैं। खरीफ में अगर आपने चैप्टर समझा हो तो आपको पता है कि खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं, ये आपका पैडी एंड मेज, ये क्या है, खरीफ क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रबी क्रॉप्स मीन्स जो विंटर में होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, वो है वीट एंड ग्राम। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड। दूसरा है केमिकल फर्टिलाइजर मीन्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ऑर्गेनिक जो हमारा होता है वो क्या होता है, मैनवर, और जिसमें केमिकल्स होते हैं ठीक है, वो क्या होता है, फर्टिलाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है जो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नंबर थ्री, यूरिया एंड सुपरफॉस्फेट। नेक्स्ट है अब हमारे पास ऑर्गेनिक मैनवर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, जैसे कि एनिमल एक्सक्रीट, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ। ठीक है, आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, राइट ए पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड। पैराग्राफ को अपने वर्ड में समझाना है। ठीक है, ये सारा हमने क्या किया था, ये सारा हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ये सारा जो प्लांट होता है ना, क्रॉप प्रोडक्शन होता है ना, उसमें यूज़ होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, मिट्टी को तैयार करना। हम सॉइल को तैयार करते हैं ना पहले, उसको ग्रो होने से, उसमें क्रॉप प्रोडक्शन करने से पहले। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप को उगाने से पहले सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इट इन्वॉल्व टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, उसको टिलिंग करना, लूज करना, ठीक है, उसको फ्लैट कर देना, लूज करना। ठीक है, दिस अलाउ द रूट्स ऑन द पेंडेंट्रेट डीप इन द सॉइल एंड टू ब्रीथ ईजीली इवन वेन दे आर डीप्ड। इसमें क्या होता है, इसका मतलब अगर हम उसको पोली कर देंगे, ठीक है, अगर वो लूज कर देंगे तो जो प्लांट होगा ना, उसके रूट्स जो है अंदर तक जाएंगे, और जब अंदर तक जाएंगे ठीक है, तो उसके बाद उनको बाहर की एयर मिलना मुश्किल होगी। अगर वो पोली होगी मिट्टी, ठीक है, मीन्स लूज होगी, तो यहाँ से बाहर की एयर भी उनको आसानी से मिल पाएगी और वो क्या कर सकेंगे, ब्रीथ कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी,
सोइंग, सोइंग अब मिट्टी तैयार कर दी तो हमें सो करना है, किसको? सीड को। सीड को मिट्टी में डालना क्या कहलाता है? सोइंग। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। ठीक है, सीड को मिट्टी में डालना क्या कहलाता है? सोइंग। द टूल्स यूज द ट्रेडिशनल फॉर द सोइंग सीड इज फनल शेप। अब तो पहले के टाइम में क्या होता था, एक बुल्क होता था, बैल या किसी भी एनिमल के साथ उसको क्या करते थे, इस तरीके से एक बना देते थे और यहाँ पर सीड डालते देते थे और ऐसे 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 सीड को लाइन वाइज लगाते रहते थे। अब के टाइम में क्या होता है, ट्रेडिशनल टाइम में तब तो मशीनें यूज़ की जाती है, उसमें बहुत सारे ऐसे ही लगे होते हैं और एक बार में सारे सीड्स जो होते हैं वो ग्रो कर देते हैं। आपने चैप्टर में अगर पढ़ा होगा तो आप देखेंगे, जिसको बोलते हैं सीड ड्रिल। ठीक है, और वो किसकी हेल्प से होता है? ट्रैक्टर की हेल्प से होता है, ताकि ये प्रॉपर एक प्रॉपर डिस्टेंस पे जो है इसको लगाया जा सके। और प्रॉपर डिस्टेंस पे अगर लगेगा, यूनिफॉर्मली एक जैसे लगेगा, तो उसकी ग्रोथ भी क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? जो वीड्स क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए, जो प्लांट्स के साथ अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं ना, ऐसे प्लांट जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो उग जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? वीडिंग, सॉरी वीड। ठीक है, अब उनको वहाँ से निकालना है, अनवांटेड प्लांट है, हमें ज़रूरत तो है नहीं ना, हमारे क्रॉप के साथ हो गई है, हमारे क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स को भी ले रही है, तो हमें उसको क्या करना है? निकालना है। तो उसको निकालने के मेथड को हम वीडिंग बोलते हैं। अब वीडिंग के लिए सम अन जो प्लांट होते हैं उनको हम क्या करते हैं? हाथों से उखाड़ के फेंक देते हैं, कुछ इस तरीके से भी होता है, और कुछ को जो है आजकल तो केमिकल्स वगैरह आ गए जिसकी मदद से हम उनको वहीं ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडिंग किसे कह देंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना क्या कहलाता है? वीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड फ्रॉम द चाफ। ग्रेन सीड जो होता है ना, फॉर एग्जांपल हमारा ये जो है प्लांट है, प्लांट पे हमने देखा होगा, अगर हम वीट को देखते हैं तो वीट और उसके ऊपर क्या होता है? कवर होता है। ठीक है, तो उसको उस कवर में से निकालने को, इसको जो उसके ऊपर कवर है ना, उसको चाफ बोलते हैं, उसको निकालने को हम क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आपने करना है कि एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर एंड डिफरेंट फ्रॉम द मैनवर। ठीक है, आपको ये बताना, फर्टिलाइजर और मैनवर में डिफरेंस बताना है। इन्होंने बोला एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैनवर, फर्टिलाइजर मैनवर से कैसे अलग है। फर्टिलाइजर, ए फर्टिलाइजर इज ए इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो कि हमने पढ़ा था वो किससे बनता है? केमिकल से। मैनुअर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। ठीक है, जो प्लांट का वेस्ट होता है, पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती है, कैटल का जो वेस्ट होता है, ह्यूमन का जो वेस्ट होता है, ये सारे डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं? मैनुअर बनाते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्री, केमिकल से बन रहा है तो ये फैक्ट्री में बनेगा, और ये एनिमल डंग से बन रहा है तो ये कहाँ बनेगा? फील्ड में बनेगा, तो मैन्यूअर कैन प्रिपेयर इन द फील्ड। ठीक है, फर्टिलाइजर, ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करता है, और मैन्यूअर क्या करता है? ह्यूमस प्रोवाइड करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। फर्टिलाइजर के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि पोटाशियम, ठीक है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जो कि प्लांट को जरूरी होते हैं। मैनुअर के पास थोड़ा सा कम होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या है ये बताना है, और दो ऐसे मेथड बताना है जो वाटर को कंजर्व करते हैं। तो द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ द वाटरिंग द प्लांट फॉर द असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरीगेशन। आर्टिफिशियल मेथड जो है देना पानी को, देना वाटर को, उसे क्या बोलते हैं? इरीगेशन। मेन सोर्सेस ऑफ इरीगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर। यहाँ से हम इरीगेशन कर सकते हैं, पौधों को पानी देते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? इरीगेशन, जिसको बोलते हैं सिंचाई। ठीक है, अब दो मेथड ऐसे जो वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, तो एक तो हो गया हमारा स्प्रिंकल इरिगेशन, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो ना, यहाँ से ये मोटर पानी निकाल रही है और ये इस तरीके से ये पाइपलाइंस हैं। ठीक है, और इस पाइपलाइन पे ऐसे परपेंडिकुलर पाइप लगी हुई है,
और उन पाइप से आप देख रहे हो जैसे कि फाउंटेन में से पानी निकलता है ना, इस तरीके से पानी निकल रहा है, तो इसको स्प्रिंकल इरीगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इरीगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द वर्टिकल पाइप्स विद द रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप। जैसे अभी मैंने बताया आपको वर्टिकल पाइप होती है और रोटेटिंग ऊपर क्या लगे होते हैं, नोजल लगे होते हैं। इट इज़ मोर यूजफुल इन द अनइवन एंड सैंडी लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पर अनइवन लैंड होता है और जहाँ पे वाटर जो है सफिशियंट नहीं होता है, सैंडी होती वाटर, वहाँ की जो सॉइल होती है सैंडी होती है, वाटर की कैपेसिटी होल्ड करने की ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर इस सिस्टम को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, इसमें भी सेम मोटर लेके आई, अब ये पाइप है, अब ये फाउंटेन की तरह नहीं, यहाँ पर देखो ये जहाँ जहाँ प्लांट है ना, यहाँ पर छोटे छोटे से यहाँ पे होल होते हैं और उस होल से जो वाटर निकलता है वो प्लांट के रूट तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो दिस इरीगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप ऑफ ट्यूब विद वेरी स्मॉल होल इन दैम टू वाटर प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द बेस ऑफ द रूट। जो कि भी मैंने आपको बताया, इरीगेशन ऐसी पाइप अरेंजमेंट की जाती है और उसमें छोटे छोटे से होल कर दिए जाते हैं जिसमें से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है और रूट के बेसिस में मिल जाता है। इट इज़ वेरी इफिशियंट एज वाटर इज नॉट वेस्टेज एट ऑल। इससे वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और जितनी ज़रूरत होती है उतने ही वाटर की यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ वीट इज़ शोन इन द खरीफ सीजन, अगर वीट को हम खरीफ सीजन में शो कर देंगे, उगा देंगे, तो व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा, तो वीट क्रॉप इज़ शोन फ्रॉम द नवंबर दिसंबर टू मार्च अप्रैल। इट इज़ ग्रोन इन विंटर एंड रिक्वायर लेस वाटर, क्योंकि इसको कम पानी की ज़रूरत होती है ना। ठीक है, इफ़ वीट इज़ शोन इन खरीफ, इट प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज, क्योंकि जो इसको ज़रूरत है वो ज़रूरत तो खरीफ सीजन में नहीं मिल रही है ना, इसलिए इसको हमें खरीफ सीजन में हम नहीं उगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड। एक ही फील्ड में बार 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 एक ही प्लांट को उगाएंगे तो क्या होगा, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है। क्रॉप रोटेशन नहीं करोगे तो जो उसका न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप एक ही चीज़ खाओगे, दाल 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 खाओगे, तो सिर्फ आपको प्रोटीन मिल पाएगी, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो सब कहाँ से मिलेगा, विटामिन कहाँ से मिलेगा, सब कुछ जरूरी है ना। ठीक है, तो इसलिए हमें घर में क्या लाना पड़ेगा, सब कुछ लाना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबको अलग अलग चीज़ें खानी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से हम जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं ना उसको हम रोटेट, एक बार में हमने वीट क्रॉप की, एक बार में हमने राइस क्रॉप की, इससे क्या होता है, राइस अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा, वीट का न्यूट्रिएंट्स बचा रह जाएगा, वीट आएगा अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू प्लांटेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअरर, मिट्टी को पूरा कर देती है उसकी फर्टिलिटी इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एज द क्रॉप टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड द सॉइल बिकम इनफर्टिल। अब जब क्रॉप में सारा न्यूट्रिएंट ले लिया है, अब अगर दूसरी क्रॉप नहीं हुई, वही क्रॉप हुई, तो अगर उसको नाइट्रोजन की जरूरत है उसने सारा नाइट्रोजन ले लिया, अब उसके पास नाइट्रोजन ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अगले सीजन में अगर हम जो बीन्स वाले प्लांट उगाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन जो है सॉइल को मिलती है, तो आगे फिर से उसको नाइट्रोजन मिल जाएगी। समझ आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो मींस अगर हम कंटिन्यूस प्लांटेशन करेंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे और क्रॉप अच्छी नहीं होगी। द सॉइल बिकम इनफर्टिल, इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेसिंग द न्यूट्रिएंट्स, उसके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं साथ के साथ बता रही हूँ आपको, वीड क्या होते हैं और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। जो हम नहीं चाहते ना जिन प्लांट्स को, उन्हें क्या बोलते हैं, वीड्स, जो नेचुरली हमारे क्रॉप के साथ उग जाते हैं और हमारी इच्छा के बिना, उन्हें क्या कहते हैं, वीड्स। द ग्रो ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग मैनी वे। अब इनके कंट्रोल को बहुत अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है। एक तो टिलिंग बिफोर द सोइंग, मिट्टी बीज बोने से पहले उस पर टिलिंग कर दो, मतलब लेवलिंग कर दो ताकि वो अब अलग हो जाएं कट के। ठीक है, अपरूटिंग उसकी जो है रूट टूट के उसी में ख़त्म हो जाए। ठीक है, एक तो ये, विच मे द ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, और वो सूखे मिट्टी में मिल जाएंगे। वीड आर आल्सो कंट्रोल यूज द केमिकल, केमिकल का यूज़ करके भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वीडीसाइड। वीडीसाइड इसके ऊपर स्प्रे करते हैं फील्ड में और वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10,
अरेंज करना है आपको इस बॉक्स को, ये जो दिया हुआ है कि अगर आपने कौन सी क्रॉप ग्रो की है शुगर कैन की। तो देखो सबसे पहले तो हमें पता है हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले करना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, आप यहाँ से इसको अरेंज करना है। सबसे पहले हमने सॉइल प्रिपेयर करने के बाद प्लोइंग करेंगे, हल चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सीड डालना है, सोइंग करेंगे, फिर उसमें खाद डालेंगे, मैन्यूरिंग करेंगे, फिर उसकी सिंचाई करेंगे, इरीगेशन करेंगे, फिर अब बड़ा हो गया तो उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, और उसके बाद उस क्रॉप को हम शुगर फैक्ट्री में भेज देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।